नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। देखिए, एक और शानदार कंपनी के नंबर्स अनाउंस हो गए हैं जी इंटरटेनमेंट लिमिटेड के, यानी जील स्टॉक प्रॉफिट कंपनी का ईयरली बेसिस पे 3 गुना बढ़ा है, यानी 300% जंप किया है। देखेंगे चार्ट पे कैसे टारगेट आगे नतीजों के दम पे बनेंगे। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, आपसे चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लीजिए। इसी तरह के वीडियोस मैं आपके लिए रोज लाते रहता हूं, तो आपके काम आएंगे। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो देखिए, जी के कंपनी के नंबर्स की शीट मैंने कंसोलिडेटेड ओपन की है, देखेंगे कैसे नतीजे हैं। तो देखिए, बात करेंगे सबसे पहले क्वार्टरली, जो कि जून से लेकर सितंबर 21 में इन दो कॉलम्स में नंबर शो किए हुए हैं। टोटल इनकम कंपनी की अमाउंट सारा का सारा इस शीट में लाखों में मेंशन किया हुआ है। देखिए, 1808 करोड़ के सामने इनकम जबरदस्त ग्रो करी है, जो कि 2010 करोड़ की आई है। साथ ही बात करें प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, यानी एक्सपेंसेस टैक्सेस हटाने के बाद 208 करोड़ से कंपनी का मुनाफा क्वार्टरली 266 करोड़ का पोस्ट किया है। पीबीटी देखें, यहाँ भी दमदार गेन है, 303 करोड़ के सामने 359 करोड़ का। टोटल खर्चे अगर मैं दिखाऊँ तो देखिए 1501 करोड़ के सामने 1637 करोड़ के, यानी खर्चे कंपनी के काफ़ी बढ़ने के बाद भी आपको मुनाफे में काफ़ी दमदार गेन देखने को मिला है क्वार्टरली बेसिस पे। अब कंपेयर करते हैं पिछले साल से, सितंबर 20 से सितंबर 21 में, एक साल के अंतराल में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया। टोटल इनकम 1760 करोड़ से बढ़कर आई है 2010 करोड़ की, यहाँ पे दमदार गेन है। साथ ही प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखें तो 93.41 करोड़ से बढ़कर 266.8 करोड़ का, ये यहाँ पे करीब करीब 3x का जंप काफ़ी स्टॉक के लिए वरदान साबित होगा। साथ ही साथ पीबीटी देखें ईयरली बेसिस पे तो पीबीटी आपको देखने को मिलेगा 167 करोड़ से 359 करोड़ का। टोटल खर्चे अगर देखें तो काफ़ी बढ़े हैं, 1496 करोड़ से 1637 करोड़ के। यहाँ भी देखिए, खर्चे इतने बढ़ने के बाद भी मुनाफा कंपनी का करीब करीब जो है 3x जंप किया है, इसको वाकई एक बहुत ही थम्स अप नंबर्स कहेंगे। तो देखिए, बात करें अगर डेली चार्ट की, तो स्टॉक में सोनी के साथ मर्जर की खबरें थी, राकेश झुनझुनवाला साहब ने स्टेक बाय करी, इस तरह के सारे के सारे ट्रिगर हुए थे पिछले डेढ़ दो महीने पहले, वो सारे के सारे आपको नॉलेज में हैं। उसके बाद में लगातार स्टॉक साइडवेज हो गया है, जो कि आपके सामने। अगला टारगेट की बात करें तो करीब करीब बनेगा 330 रुपये का, यानी CMP से 16 रुपये ऊपर, CMP 314 का है। 330 को निकाल दिया तो फिर स्टॉक 350 एंड 350 प्लस आपको जाते हुए देखने को मिलेगा, जो कि इसका 52 वीक का हाई भी है। और स्टॉक के ऑल टाइम हाई की अगर मैं बात बताऊं तो काफ़ी ऊपरी स्तरों से करेक्टेड है स्टॉक, जो कि 2018 में करीब करीब 600 रुपये के स्टॉक के प्राइस थे। और जिस हिसाब से सब कुछ अगर ठीक चलता रहा, राकेश झुनझुनवाला साहब ने भी यहाँ काफ़ी लंबे व्यू को रखते हुए जो है बाइंग करी है, अगर सब कुछ ठीक रहा, सोनी के साथ मर्जर हुआ, इन्वेस्टकों के साथ विवाद सुलझ गया, तो स्टॉक आपको आने वाले कुछ सालों में यहाँ पर 600 के टारगेट अगेन दिखा दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इस तरह की कंपनी नतीजे आने वाले क्वार्टर्स में और पोस्ट करेगी अगर, तो फिर देखिए स्टॉक की शानदार तेजी, री रेटिंग कंप्लीट स्टॉक ही हो जाएगी, जिसको हम री रेटिंग वर्ड यूज करते हैं। जील के नंबर्स की बात की मैंने, चार्ट्स की बात की। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।